दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 256 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे मैं इस वीडियो को पिछले दिन ही अपलोड करना चाहता था, लेकिन दो बार मुझे कॉपरेट क्लेम आ गया, जिसके कारण वीडियो अपलोड करते करते ही मोबाइल के सारे नेट ही खत्म हो गई। मुझे माफ कर देना। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं सियो बाई को, जो कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग की दो एनर्जी पल को बाहर निकालती है और टेंशन को देते हुए बताती है ये डीप सी डेमोनिक वाले किंग के अंदर थी। जिसके बाद हमें बताते हैं कि उन दोनों में से एक गोल्डन एनर्जी बॉल असल में डीप सी डेमोनिक वाले किंग का ब्रेन है, जिसे एक मेडिसिनल हर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी एनर्जी बॉल के बारे में सियो बाई को भी नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी वह अंदाजा लगाती है कि शायद ये डीप सी डेमोनिक वाले किंग का कल्टीवेशन है, जिसकी वजह से हो सकता है ये तुम्हें सी गॉड के इनहेरिटेंस में काम आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि यह सभी लोग सी गॉड आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। तब थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यह सभी लोग सी गॉड आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं। वहीं हम लोग नोटिस करते हैं कि सी गॉड आइलैंड के सातों सोल मास्टर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, इसलिए टैंक्शन ड्रैगन मास्टर से पूछता है कि आखिर में सी गॉड आइलैंड पर ऐसा क्या हुआ है। तब ड्रैगन मास्टर टैंक्शन को बताते हैं, जब तुम सी गॉड इनहेरिटेंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे, तब हम लोगों का सी गॉड आइलैंड को प्रोटेक्ट करने का मिशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को थोड़ा सा बुरा लग रहा है। ये सुनकर के टैंक्शन कहता है, सीनियर फ्यूचर में जो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी लोग सी गॉड आइलैंड के पिल्लर है, जिसकी वजह से आप लोगों की जगह कोई नहीं रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यह सभी लोग बो साइशी से मिलने के लिए आगे जाने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि यह लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, तब टैंक्शन बो साइशी से अकेले मिलने के लिए चला जाता है। वहीं जैसे ही टैंक्शन सीनियर बो साइशी के पास पहुंचता है, वह सीनियर बो साइशी को देख करके हैरान हो जाता है, क्योंकि बो साइशी अचानक से एकदम बूढ़ी हो गई थी। इधर श्रेक डेविल्स भी ये देख करके हैरान हो जाते हैं। इधर इसके बावजूद भी बो साइशी टैंक्शन को धन्यवाद कहती है और वह बताती है कि उसकी वजह से उसकी ग्रेट ग्रैंडफादर टैंक्शन से फिर से मिल पाए, और ऐसा होने की वजह से सीनियर बो साइशी और टैंक्शन दोनों लोग एक साथ अपनी फाइनल मूवमेंट को एक साथ शेयर कर पाए। इस पर हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिस दिन टैंक्शन स्लॉटर सिटी से निकलकर केसी गॉड आइलैंड पर आए थे, वही उन्हें देख करके बो साइशी सीधा उनसे गले मिल जाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि टैंक्शन एक जगह पर बैठ करके बो साइशी को बताते हैं, मैं स्लॉटर सिटी में बहुत लंबे समय से फंसा हुआ था, इसलिए अगर टैंक्शन अपनी सी गॉड लाइट मेरे ऊपर नहीं करता तो शायद मैं कभी ठीक हो करके तुमसे नहीं मिल पाता। ये सुनकर के बो साइशी कहते हैं, अब फाइनली तुम यहाँ पर आ गए हो, इसलिए शायद मेरा सालों का इंतजार बेकार नहीं गया। वही हम लोग एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस पर टैंक्शन बो साइशी से माफी मांगते हुए कहता है, बो साइशी अब मेरे पास सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, क्योंकि उसके बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ये सुनते ही बो साइशी डरते हुए कहते हैं, तुम आशुरा गॉड के पहले 8 टेस्ट को कम्प्लीट कर चुके हो, इसका मतलब ये है कि तुम आधे गॉड बन चुके हो, जिसकी वजह से आखिर में इतना पावरफुल इंसान इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। ये सुनकर के टैंक्शन बताता है, असल में ब्लड रेड किंग का पॉइजन लंबे समय से उसकी बॉडी में था, जिसके बाद जैसे ही मैं सी गॉड लाइट में ठीक हुआ, वैसे ही असुरा गॉड की ढेर सारी पावर मेरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गई। वही यह पावर इतनी ज्यादा है कि मैं इसे ठीक से संभाल भी नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से 3 दिन बीतने के बाद मेरी मौत हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 दिन के बाद टैंक्शन की मौत हो जाती है, जिसके बाद टैंक्शन के स्पिरिट को ना चाहते हुए भी डिवाइन वर्ल्ड में जाना पड़ता है। वही वह जाते हुए सोचता है कि बो साइशी से मिलना उनके लिए एक ब्लेसिंग था। इधर प्रेजेंट में ये सुनकर के टैंक्शन को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ही उसके ग्रेट ग्रैंडफादर की मौत हो गई है, लेकिन सीनियर बो साइशी बताती है, टैंक्शन को टैंक्शन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व था, इसके अलावा अगर उन्हें मौका मिलता तो वह तुम्हें गॉड बनते हुए देखना चाहते थे। इसके बाद बो साइशी वहां पर असुरा स्वॉर्ड को लाते हुए बताती है, टैंक्शन तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडफादर चाहते थे कि मैं असुरा स्वॉर्ड को तुम्हें दे दूं, क्योंकि तुम्हारे पास डेथ गॉड डोमेन है, जो वास्तव में आशुरा गॉड इनहेरिटेंस के पहला रिक्वायरमेंट है। इधर हम देखते हैं कि आशुरा स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होता है,
उसे वहां लाते ही चारों तरफ डेथ गॉड डोमिन फैलने लगता है। इसके बाद बो साइशी टैंगशिंग को बताती है, इस असुरा स्वॉर्ड को तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर टैंगशिंग ने छोड़ा है, जिसकी वजह से उनकी आशुरा गॉड के सक्सेसर की सारे पावर इस तलवार के अंदर है। वही तुम अगर चाहो तो इसकी हेल्प से अपनी इनहेरिटेंस को चेंज करके आशुरा गॉड को इनहेरिट कर सकते हो। तब हम देखते हैं कि यह सुनकर के जैसे ही टैंगशिंग चारों तरफ फैला हुआ स्पिरिचुअल एनर्जी में अपने हाथ डालता है, उसे एक झटके में स्लॉटर सिटी में हुए सारी बातें दिखाई देती है, जिसकी वजह से वह खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह तलवार अपने आप ही टैंगशिंग को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इधर उस तलवार से रिलीज होने वाली डेथ गॉड डोमिन को श्रेक डेविल्स भी महसूस कर लेते हैं। वही अब टैंगशिंग को भी समझ में आ जाता है कि उसका डेथ गॉड डोमिन अपग्रेड हो करके आशुरा गॉड डोमिन में चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आशुरा गॉड के पावर मेरे सारे सोल बोन के अंदर जाना चाहती थी, पर उस मोमेंट को सी गॉड के पावर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। इसके बाद टैंगशिंग बो साइशी से कहता है, मैं अपनी ग्रेट ग्रैंडफादर टैंगशिंग को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतनी अर्जेंट सिचुएशन में सभी लोगों की उम्मीदों को अनप्रिडिक्टेबल असुरा गॉड इनहेरिटेंस पर नहीं छोड़ सकता हूँ, जिसके वजह से मैं सी गॉड को इनहेरिट करने के बाद सोच लूंगा कि इस तलवार के साथ क्या करना है। ये सुनकर बो साइशी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस तलवार को डीएक्टिवेट करके रख देती है। तब टैंगशिंग बो साइशी को ट्राइडेंट को दिखाते हुए पूछता है, आखिर में सी गॉड डिवाइन वेपन के हार्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। वही यह ऐसा इसलिए हुआ, एंजल गॉड मुझे मारना चाहती थी, जिसकी वजह से सी गॉड की डिवाइन शैडो को मुझे बचाना पड़ा। इस पर बो साइशी ट्राइडेंट को देखते हुए बताती है, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसे ठीक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें सी गॉड इनहेरिटेंस में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हो सकता है कि इसके बिना तुम्हारा इनहेरिटेंस थोड़ा मुश्किल हो जाए, और कहीं तुम इनहेरिटेंस में फेल हो जाते हो तो वहाँ पर तुम्हारी मौत होना एकदम पक्की है। इधर यह सुनकर के टैंगशिंग बो साइशी को धन्यवाद कहता है और बताता है कि मुझे कुछ भी करके सी गॉड को इनहेरिट करना है, नहीं तो पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं होगा जो एंजल गॉड क्वीन रेंगसू से फाइट कर सके। ये सुनकर के बो साइशी कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी अपनी ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह ही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वह बाकी के श्रेक डेविल्स को अपने पास बुलाते हुए बताते हैं, सी गॉड इनहेरिटेंस में बहुत सारी पावर रिलीज होने वाली है, जिसे अगर तुम्हारे दोस्त अब्सॉर्ब करते रहेंगे तो तुम्हारे इनहेरिटेंस अच्छे प्रोसेस में चलती रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सारे श्रेक डेविल्स वहाँ पर पहुँचते हैं, बो साइशी वहाँ पर एक परमिशन को क्रिएट करते हुए सोचती है, सी गॉड आपने जो मुझे मिशन दिया था वह फाइनली आज में कंप्लीट करने वाले हो। उसके बाद वह टैंगशिंग को तीन सवाल पूछती है, जिसमें से पहले के अकॉर्डिंग सी गॉड ओशन के सभी लोगों के ऊपर राज करते हैं, इसीलिए क्या तुम सक्सेसर होने के नाते इन सभी को प्रोटेक्ट करोगे। इसके बाद दूसरे सवाल के अकॉर्डिंग सी गॉड सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और दया दिखाते हैं, इसलिए क्या तुम सी गॉड के पावर को इस्तेमाल करते हुए सभी लोग के साथ में दया और सी गॉड का इस्तेमाल करोगे। इसके बाद लास्ट में बो साइशी तीसरी सवाल पूछती है, सी गॉड पूरे समंदर पर राज करते हुए अपनी डिवाइन लाइट का यूज करते हुए सभी लोगों को रास्ता दिखाते हैं, इसीलिए क्या तुम अपनी डिवाइन लाइट का इस्तेमाल करते हुए समंदर की क्रिएचर से सारे लोगों को प्रोटेक्ट करोगे। तब हम देखते हैं कि टैंगशिंग इन सभी सवालों का जवाब देता है कि मैं सी गॉड पावर का इस्तेमाल मोर्टल लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए करूंगा। तभी यह सुनकर के बो साइशी अपने सारे सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए उस प्रोसेस को स्टॉप करती है, जिसके बाद उस जगह पर हम देखते हैं कि पूरे समंदर के पावर ग्लो होने लगती है, और देखते ही सी गॉड इनहेरिटेंस का 9th टेस्ट भी स्टॉप हो जाता है। और इतना कहते ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।